नमस्कार, आप देख रहे हैं सिमसेट न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निधि झा। हाजिर हूं एक बार फिर टॉप 10 खबरों के साथ। नजर डालते हैं देश विदेश की मुख्य सुर्खियों पे। कोलकाता में पानी से 13 मीटर नीचे चलेगी मेट्रो, पीएम मोदी ने किया इनॉग्रेशन। 520 मीटर का सफर 40 सेकंड में पूरा होगा। पंजाब विधानसभा में बजट पर बहस, जल्द 1390 डॉक्टरों की होगी भर्ती। कांग्रेस का सीएम मान के जूती सुंघाने के बयान पर हंगामा। किसानों का दिल्ली कूच, आज ट्रेन बस और पैदल रवाना होंगे। प्रशासन ने हिसारम बारा चंडीगढ़ हाईवे भी खोला। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 लोग जिंदा जले, 4 गंभीर। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे। धमाके से छत दीवारें ढह गई। ममता बोली, मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी, चुनाव के बाद फुस हो जाएगी। टीएमसी वादे पूरे करती है, आज 10 बजे करेगी बड़ा ऐलान। कांग्रेस बोली, इंडिया ब्लॉक के बीच सीट बंटवारा फाइनल। पश्चिम बंगाल पर फैसला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में पीडीपी गठबंधन से अलग हुई। ताइवान की मंत्री ने भारतीयों पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। भारत की आपत्ति के बाद माफी मांगी। भारतीयों को नौकरी देने पर चर्चा कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनाव भारतवंशी निक्की, 12 राज्यों में हारी। बाइडेन बोले, ट्रंप फिर जीते तो अमेरिका अंधकार और हिंसा की भेंट चढ़ेगा। रूस ने भारतीयों को धोखे से आर्मी में भर्ती किया, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी। पंजाब के 7 लोगों ने आप बीती सुनाई। 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 14वें खिलाड़ी बनेंगे अश्विन। 92 साल में 4 गेंदबाज खेल पाए 100+ मुकाबले। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए SMZ News India।